ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, मित्रों, आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं आप लोगों के लिए भगवान शिव की कृपा से, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ की कृपा से, शायद ये वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं उन पर बहुत बड़ी शिव की कृपा ही हुई है अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं ऐसा शिव जी का ऐसा पवित्र मंत्र, ऐसा मंत्र अचूक है जो किसी भी बीमारी को ठीक करने में सामर्थ्यवान है। चाहे तो आप खुद की बीमारी को ठीक कर सकते हैं या फिर किसी दूर व्यक्ति बैठे, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसकी बीमारी को भी आप अपने घर से ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, हम ये नहीं कहते कि आप उस व्यक्ति को दवाई करने से मना कर दें, आप दवाई के साथ साथ दुआ करिए। ये दवाई के साथ साथ आप एक बार इस मंत्र को आजमा कर देख लीजिए। दोस्तों, आपको ऐसा चमत्कार नज़र आ जाएगा, बस इस मंत्र को करते ही करते आप देखेंगे कि आपके खुद की बीमारी में कैसा चमत्कार होता है, और जिस व्यक्ति के लिए अगर कर रहे हैं, कोई व्यक्ति बीमार है, बहुत दूर है, उसके लिए कर रहे हैं, तो उसके व्यक्ति में भी देखेंगे कि कैसे चमत्कार होते हैं। दोस्तों, या एक लघु महामृत्युंजय, या कह सकते हैं कि मृत संजीवनी मंत्र है, जिसका प्रयोग अत्यंत असरदार होता है। इससे साधक अपने आप का या दूसरे लोगों का इलाज करके उनका स्वस्थ निरोगी कर सकता है। आप समझ सकते हैं कि दोस्तों, आप इस बीमारी को ठीक करने के लिए आप अपना या फिर किसी दूसरे व्यक्ति का भी स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, किसी अपने परिजन प्रियजन या किसी भी व्यक्ति का। लेकिन दोस्तों, इसके कुछ नियम हैं, बहुत सिंपल से नियम हैं, कि सबसे पहले इस मंत्र को करने से पहले आपको स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, स्नान आदि करके आप किसी भी दिन से इस मंत्र का जाप शुरू कर सकते हैं। कोई नियम नहीं है बहुत ज़्यादा विशेष, बस इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि आपको मांस, मदिरा, अंडा, मछली, नॉनवेज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि शिव को मनाने के लिए आप किसी जीव की हत्या करके अगर आप खा रहे हैं अपने स्वाद के लिए, अपनी जबान के लिए, टेस्ट के लिए, तो शिव कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, उसकी भक्ति, उसकी पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि शिव का एक नाम है पशुपतिनाथ, तो वो हलाहल विष को पीने वाले हैं, और संपूर्ण जगत में, सृष्टि में उनकी सभी पूजा करते हैं, चाहे वो जानवर हो, पशु पक्षी हो, दानव हो, प्रेत हो, पिशाच हो, उनके सभी पूजा पाठ करते हैं। तो आपको किसी भी जीव की हत्या करके आपको उसका अपना आहार नहीं बनाना है, और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, और किसी की बुराई नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को अपशब्द नहीं करना। बस इतनी चीज़ों का नियम आप कर लीजिए। आप की कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ व्यक्ति, वो भी उठ खड़ा होगा, और बस आपसे मेरा एक विनम्र निवेदन है, जब वो व्यक्ति ठीक हो जाए, जब आपकी बीमारी ठीक हो जाए, आपको ये मंत्र तब तक करना है जब तक आप पूरी तरह, जैसे आप बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या में हैं, बहुत गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती हैं, तो जैसे मंत्र आप स्टार्ट करना शुरू कर देंगे उसको आराम मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन इस मंत्र का जाप तब तक जारी रखना है जब तक उसको पूर्ण रूप से बिल्कुल स्वस्थ ना हो जाए, तब तक आपको इस मंत्र का जाप करते रहना है। देखेंगे आपको ऐसे ऐसे चमत्कार होने लग जाएंगे, शिव की कृपा निश्चित ही मिलेगी आपको। दोस्तों, इस मंत्र में आपको पूरा मंत्र दिया जाएगा। आप एक सादा कागज़ ले लीजिए, पेन ले लीजिए, कलम ले लीजिए, उसको लिख लेना है। अब दोस्तों, ये मंत्र है, और मंत्र में जहाँ पे नाम लिखा है वहाँ पर अगर किसी व्यक्ति को ठीक करना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का नाम आप बोलना है, और अगर आपको खुद की बीमारी ठीक करना है, अगर आप स्वयं अपने लिए ये मंत्र करना चाहते हैं, खुद के लिए करना चाहते हैं, तो फिर अपना नाम बोलना है। मंत्र आपका क्या है, ओम हौम जूम सह, फिर अपना नाम बोलना है, या फिर जिस व्यक्ति को बीमारी है, जिसकी बीमारी ठीक करना चाहते हैं उसका नाम बोलना है, फिर जीवय जीवय पालय पालय ओम जूम हौम ओम।
तो दोस्तों ये मंत्र है, एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, ओम हौम जूम सह। नाम की जगह पे खुद का या फिर जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, जिस बीमारी की जिसकी ठीक करना है। फिर उसके बाद बोलना जीवय जीवय पालय पालय सह जूम हौम ओम। ये मंत्र है दोस्तों। और एक चीज़ का विशेष ध्यान देना है कि इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला से ही करिए, तो आपको बहुत शीघ्र अतिशीघ्र फल प्राप्त हो जाएगा और अतिशीघ्र ही वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा। क्योंकि शिव पूजा में शिव मंत्र के जाप के लिए सबसे अगर कोई अच्छी माला है तो वो रुद्राक्ष की ही माला है। तो आप रुद्राक्ष की माला से इसको शुरू करना है। इस मंत्र को करने से पहले एक बार ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप कर लीजिएगा 21 बार। ओम गंग गणपतये नमः, ये गणेश मंत्र है, तो इसका जाप कर लेना। उसके बाद आपको ये मंत्र करते जाना है। कम से कम आप 20 से 25 मिनट इस मंत्र का जाप कीजिए प्रतिदिन। आप देखेंगे कि आपको बहुत अतिशीघ्र अतिशीघ्र आप हम मैं कह नहीं सकता हूँ कि हो सकता है कि आपको एक पहले दिन ही आपको आराम लग जाएगा। आप बस करना शुरू करिए। और अगर आप ज़्यादा करते हैं, 20-25 मिनट से ज़्यादा करते हैं, तो और जल्दी उसको फ़ायदा होगा उस व्यक्ति को कि बहुत जल्दी। तो आपको जो मैंने नियम बताए हैं कि कैसे करने हैं, क्या विधि, बहुत सिंपल से हैं। एक बार मैं आपको दोबारा फिर से एक चीज़ बता दे रहा हूँ ताकि आप कहीं भी कोई चीज़ मिस ना करें। आपको स्वच्छ वस्त्र करना है, किसी भी दिन आप शुरू कर सकते हैं, कोई नियम नहीं। बस आपको क्या करना है कि रुद्राक्ष की माला से इसका जाप करना, और कोई माला नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि क्या हम तुलसी की माला से कर सकते हैं। आपको अगर तुलसी की माला से 80% फ़ायदा होगा, तो रुद्राक्ष की माला से अगर आप करेंगे तो आपको 100% फ़ायदा होगा। तो आप रुद्राक्ष की माला से करें। और जब इस मंत्र का जाप करें, एक बहुत विशेष बात मैं भूल गया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, कि आपको जब इस मंत्र का जाप करना है तो दोस्तों कोशिश करें कि आप एक जगह बैठ कर करें और भगवान शिव के सामने करें, शिव मंदिर के सामने करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मान लीजिए आपके आसपास शिव मंदिर नहीं है, आप घर के मंदिर में भी बैठ कर सकते हैं, और मंदिर के सामने शिव जी के सामने ही बैठ कर इस मंत्र का जाप करें। आपको अतिशीघ्र आपको फ़ायदा होगा, और जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं उसको भी बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। आप शिव जितने दयालु हैं, कृपालु हैं, भोले हैं, ये तो आप खुद ही जानते हैं। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज़, और वीडियो को शेयर कीजिए, इससे आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा।